कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कोई हरी सब्जी खाने का मन नहीं करता है, बस ऐसी इच्छा होती है कि कुछ फटाफट चटपटा सा ऐसा बन जाए जिसे बनाने में ज़्यादा मेहनत भी ना लगे और टाइम भी ना लगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिना प्याज टमाटर लहसुन की सेम और पापड़ की सब्जी। इसे बनाने में कोई मेहनत नहीं है और इसमें टाइम भी नहीं लगता है और ये लगती बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप सभी का रीनू की रेसिपीज़ में हार्दिक स्वागत है। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 4 पापड़ लिए हैं, 2 मूंग के लिए हैं और 2 चने के लिए हैं। दोनों को मिक्स करके हम डालेंगे तो हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इन पापड़ के हम कुछ इस तरह से टुकड़े कर लेंगे, ज़्यादा छोटे छोटे नहीं करना है हमको टुकड़े, इस तरह से थोड़े बड़े बड़े हम रखेंगे। इस सब्जी के लिए और कोई तैयारी नहीं करनी है हमको। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 छोटी चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म होने पर मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, और जीरा तड़कने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे चम्मच से। और अब इसमें हम मसाले मिलाएंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और सूखा धनिया पाउडर। मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार मिला सकते हैं। और इसको हम चम्मच से एक बार चला लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं पानी। तो यहाँ पर मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। जितनी क्वांटिटी में आपको सब्जी बनानी है उस हिसाब से आप पानी डालिएगा। तो पानी डालने के बाद अब हम यहाँ पर 2 उबाल लेंगे पानी में, इसको बॉईल होने देंगे। गैस को मैंने अभी हाई फ्लेम पे किया हुआ है ताकि पानी में उबाल जल्दी आ जाए। इसमें पकाने जैसा कुछ है नहीं तो इसलिए हमने हाई फ्लेम पे ही उबाल ले लिया है। तो देखिए 2 उबाल इसमें आ चुके हैं। तो अब मैं इसमें 1 कटोरी सेव मिला रही हूँ। ये बारीक वाली सेव है, आप बड़ी वाली भी यूज़ कर सकते हैं सेव। सेव डालने के बाद इसको हम हल्के हाथों से चला लेंगे चम्मच से एक बार। और अब इसमें हम पापड़ डालेंगे जो हमने टुकड़े करके रखे हुए थे, और इसको भी हम चम्मच से हल्के हाथों से चलाएंगे। याद रखिएगा, हल्के हाथों से ही आप सब्ज़ी को चलाएं, क्योंकि ये सेम और पापड़ की सब्ज़ी है। अगर आप हल्के हाथों से नहीं चलाएंगे सब्ज़ी को तो हमारे पापड़ और सेम का चूरा हो जाएगा, एकदम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए हल्के हाथों से चलाएं। सेम और पापड़ डालने के बाद हमको सब्ज़ी को ज़्यादा पकाना नहीं है, तो हम 3 से 4 मिनट ही इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। और 1 उबाला आएगा और गैस बंद कर देंगे। तो देखिए उबाला आ चुका है, तो मैं अब गैस बंद कर दूंगी। और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ। धनिया डालने के बाद हल्के हाथों से एक बार और हम चम्मच चला लेंगे, इसमें मिक्स कर लेंगे धनिया को। तो लीजिए दोस्तों, हमारी झटपट बनने वाली सब्ज़ी तैयार हो गई है, सेम और पापड़ की सब्ज़ी जिसे हमने बनाया है बिना प्याज लहसुन टमाटर के, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।